हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे TCS के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग डे में अच्छी खासी तेजी होते हुए देखी और ये 3130 रुपये पर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। इस स्टॉक के अगर 52 वीक हाई की बात करें तो ये तकरीबन 3350 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो 1550 रुपये, यानी कि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें जो तेजी बन रही है दोस्तों, वो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ये तेजी जारी रह सकती है या नहीं। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो Q4 के नतीजे आएंगे, जिसकी डेट की अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, उसका पूर्वानुमान हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे कि वो अच्छे रह सकते हैं या खराब रह सकते हैं, और उसके आधार पर ही हम लोग इसके टारगेट को लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार लेकर के आता रहता हूँ। आपको मजबूत फंडामेंटल स्टॉक के बारे में रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी जानकारी आप व्यूअर्स तक पहुंचाता रहता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके टेक्निकल चार्ट को देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर TCS का शेयर भाव किस प्रकार का पैटर्न बना रहा है। तो यहां पर दोस्तों स्क्रीन पर हम लोगों को TCS के डेली चार्ट देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, इनका डेली चार्ट है। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, इसके चार्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए, इनके जो प्राइस पैटर्न है दोस्तों, ये लगातार अप ट्रेंड में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये स्टॉक जो है बुलिश फेज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन के बाद से तो ये स्टॉक जो है रॉकेट बन गया। इनके जो एलिवेशन कर्व है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गए, वर्टिकल हो गए हैं, ये रॉकेट बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ पर देखिए, ये अपने लाइफ हाई को छुआ था तकरीबन 3340 रुपये के आसपास, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट बन रही थी। अब इसमें वापस बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल रहा है और हम इन्वेस्टर इस बात से इंटरेस्टेड हैं कि अगर ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इन स्तरों से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियो में यही बताया है कि जिस भी कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत होते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट जिस कंपनी के लगातार अच्छे आते रहते हैं, उसके शेयर भाव लगातार हम लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो हम लोग TCS में क्या करें, कैसे जाने कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल को एक बार चेक कर लेते हैं कि TCS के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो इनके अगर सेल्स फिगर पर ध्यान दिया जाए तो FY9 में ये 27,813 करोड़ का सेल्स करती थी, जो कि FY20 में ये बढ़ करके तकरीबन 1.5 लाख करोड़ हो गया। तो इनके सेल्स में पिछले 11 सालों में कितना का जंप हुआ, तो ये लगभग 5 गुना से ज्यादा का जंप हम लोगों को साफ साफ देखने को मिल रहा है। सेम पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट FY9 में तकरीबन 5,256 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि FY20 में आके कितना हो गया, 32,340 करोड़। तो यहाँ पर हम लोगों को इनके नेट प्रॉफिट में कितना जंप देखने को मिला दोस्तों, तो ये तकरीबन 6 गुना। तो आप ही समझिए दोस्तों कि इसके 11 सालों में सेल्स बढ़े हैं वो 5 गुना और नेट प्रॉफिट बढ़े हैं 6 गुना। तो ये जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके जो बिजनेस मॉडल है उसके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि ये कंपनी काफी अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रही है और नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके इंटरेस्ट बर्डन की। तो ये देखिए, इनके इंटरेस्ट बर्डन इसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने इनके इंटरेस्ट बर्डन जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि ये कंपनी पूरी तरह से अपने इंटरेस्ट को बियर करने में सक्षम है। किसी भी समय ये अपने कर्ज को चुका सकती है, तो वो ये कहेंगे कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब
कंपनी इतना अच्छा सेल्स कर रही है, नेट प्रॉफिट कर रही है, तो इसके रिजर्व बढ़ रहे हैं या नहीं, ये देखिए इनके रिजर्व जो है साल दर साल लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। जब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ये डिविडेंड देती है कि नहीं, ये देखिए ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, ये देखिए लगातार डिविडेंड ये दे रही है। अब बात करते हैं बोनस देती है कि नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बोनस भी देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अभी तक ये पाया कि TCS के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं और ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है। और यही वजह है दोस्तों कि लंबे समय में इसके जो ग्राफ देखने को मिल रहे हैं वो काफी बुलिश पैटर्न पर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये बात आती है कि ये शेयर यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसके लिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा, इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे देखने को मिले थे। तो क्वार्टर थ्री की नतीजों की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में ये 42,000 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि सेम पीरियड प्रीवियस ईयर ये 39,854 करोड़ देखने को मिला था। तो इनके सेल्स में हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिला था। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को 8,118 करोड़ के नेट प्रॉफिट के बनिस्पत ये बढ़ करके 8,701 करोड़ होता हुआ देखने को मिला था। तो इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस में थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला था। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिलान कर लें तो ये देखिए सितंबर क्वार्टर में इनका 40,135 करोड़ का सेल्स था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में ये बढ़ करके 42,015 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इसे पॉजिटिव ग्रोथ था। और नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, ये 7,475 करोड़ से बढ़ करके 8,701 करोड़ होता हुआ देखने को मिला। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि TCS के जो एनुअल रिजल्ट रहे हैं सालों साल काफी तगड़े देखने को मिले हैं, और इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट भी रहे हैं दोस्तों वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनके रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और ये कंपनी लगातार अपने जो सेल्स को है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसके क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसका हम लोग कैसे अनुमान लगाएं, तो याद रखिएगा दोस्तों IT कंपनियां जितनी भी हैं उनके जो क्वार्टर फोर के नतीजे होते हैं वो बेहद ही स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। ऐसा इनके हिस्टोरिकल पैटर्न रिजल्ट के पैटर्न से हम लोग ये समझ सकते हैं, आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो TCS जो कि नंबर वन कंपनी है IT कंपनी इंडिया की, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि इसके क्वार्टर फोर के जो नतीजे आएंगे दोस्तों वो बेहद ही शानदार देखने को मिलेंगे। और इस आधार पर अगर हम लोग बात करें कि इसके प्राइस को कहाँ जाना चाहिए, तो इन स्तरों से ये शेयर ऊपर की ओर ही निकलना चाहिए, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं, क्योंकि IT कंपनी के जो क्वार्टर फोर के नतीजे रहेंगे वो शानदार रहेंगे, और TCS लगातार अच्छा परफॉर्म की है, अच्छा रिजल्ट अपने निवेशकों के सामने लेकर के आई है। अब टेक्निकल चार्ट में इंडिकेटर की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ग्रीन वाली जो लाइन है ये 50 डेज EMA है, येलो वाली 100 डेज EMA और रेड वाली 200 डेज EMA। और TCS का जो शेयर प्राइस है इन तीनों ही इंडिकेटर से काफी ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड में है। तो अब बात करते हैं कि टारगेट की, तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो जिस प्रकार की हम लोगों ने एस्टिमेट लगाए हैं कि इसके क्वार्टर फोर के नतीजे अच्छे आएंगे, जो इमीडिएट जो टारगेट बनता हुआ देखने को मिल रहा है इस शेयर में वो तकरीबन 3222 का देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे रिजल्ट डेट की अनाउंसमेंट होगी वैसे वैसे इस शेयर में तेजी आने लगेगी, और ये शेयर जो है आने वाले दिनों में जो अपने प्रीवियस हाई थे जो 3323 इस लेवल को क्रॉस करता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने इसके अच्छे नतीजे का अनुमान किया है उस हिसाब से देखें तो आने वाले दिनों में ये शेयर जो है 3588 रुपये का लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी लॉजिकल लगा होगा, अब मैंने जो लॉजिक समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को वॉच किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।